Hello students, welcome to other English classes, and today we are going to discuss a very important topic, that is finite and non-finite verb. It is very important for us, so without wasting your time, now let's start it. Finite verb, a verb which shows time or a verb which is limited by number, person and gender. Gender of the subject are known as finite verb. फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, दैट इज फाइनाइट वर्ब. फॉर एग्जांपल, सीमा राइट्स अ लेटर. सीमा राइट्स अ लेटर, यहाँ पे जरा देखिएगा कि राइट्स अ लेटर, राइट्स हमने यूज किया है. व्हाई? बिकॉज हियर इज सीमा. सीमा क्या है? सीमा सिंगुलर नंबर है, तो जब सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, राइट में मेन वर्ब में एस लगाकर राइट्स बनाते हैं. सिमिलरली दे राइट अ लेटर, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा फाइनाइट वर्ब है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, वे लोगों की बात हो रही है, यानी कि ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अकॉर्डिंग टू टेंस फाइनाइट वर्ब चेंज होते हैं, यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. नाउ We have written a letter. तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ according to subject हमारा verb यहाँ पर बदल गया है और written हो गया है. क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पर perfect tense की बात कर रहे हैं. इसी तरह जब हम finite, non-finite की बात करते हैं, non-finite verb, a verb that does not show time or a verb which is not limited by number, person and tense. और दिस सब्जेक्ट नॉन एज द नॉन फाइनाइट वर्ब. देखिए, कहने का मतलब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो ना ही टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, ना ही किसी पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता है, और ना किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है. वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. एग्जाम्पल से हम बेहतर समझ सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे, आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है. तो यहाँ पे ये जो लाइक वर्ड है ये हमारा यहाँ पे है फाइनाइट वर्ब है. ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है. और कुकिंग जो है ये बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब है. कुकिंग यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होता है. जैसे दूसरा देखिए, ही लाइक्स कुकिंग. तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू ही ये लाइक्स हमने किया है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है. और कुकिंग पर नजर डालिए जरा सा, कुकिंग जो है बच्चों ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है. कुकिंग आप देख सकते हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा है. सिमिलरली अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में भी हमारा कुकिंग चेंज नहीं होगा. जैसे ही लाइक क्या है, लाइक हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं कि कुकिंग हमारा चेंज नहीं हो रहा है. तो ये क्या था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, नॉन फाइनाइट पे किसी भी टेंस का, किसी पर्सन का, किसी सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. सीधा और सब आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो नंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिस पर सब्जेक्ट का, पर्सन का, जेंडर का, टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. देखिए ये तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरंड. इन्फिनिटिव्स में टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करते हैं, एंड पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज. नाउ जीरंड में जो मेन वर्ब हमारी होती है उसमें सिर्फ आईएनजी जोड़ करके पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, जीरंड बनाया जाता है, नॉन फाइनाइट बनाया जाता है. तो सीधा और सिंपल शब्दों में इतना समझ लीजिए आप लोग कि जो जो फाइनाइट वर्ब्स होती है वो अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट, पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती है, लेकिन नॉन फाइनाइट में किसी भी चीज का कोई भी इफेक्ट वर्ब पे नहीं पड़ता है, ना सब्जेक्ट का, ना टेंस का, ना किसी तरह के पर्सन का, किसी भी तरह का प्रभाव जो है वो
नहीं पड़ता है। ये जो तीन तरह से हमने डिस्कस किया है, इसको भी समझ कर ध्यान रखिएगा, और इसका आगे का जो पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।